अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्य सांसदों को धन्यवाद करती हूं। नए सांसद भवन के पहले कानून के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विशाल बहुमत से पारित करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, कानून मंत्री मेघवाल जी को, अर्जुन मेघवाल जी को ऐतिहासिक भाषण के लिए आभार व्यक्त करती हूं, और आपको भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत आज चंद्रमा पर है। हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा और अशोक चक्र आज चंद्रमा पर है। ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में निर्भीक और जुझारू है। हर भारतीय आज शान से कह सकता है कि मेरा देश आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की तरह पहली पंक्ति में खड़ा है। लेकिन ये कैसा संभव है? ये संभव हुआ हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से, हमारे वैज्ञानिकों को दिए गए प्रोत्साहन से, उनके समर्पण और परिश्रम से, और 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता से। ये कैसा संभव है? इसलिए संभव है, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमान भी जमीन पर, इरादों में बस फतह की गूंज चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री में है, इसलिए वो कर सकते हैं इतना सब काम। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई है, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में समस्त साइंटिस्ट के साथ महिला वैज्ञानिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, तिरंगा और शिव शक्ति, और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज की वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी चंद्रयान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छुप गया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी ढूंढना है, उस पर रिसर्च भी करनी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी है। भारत दुनिया की सबसे युवा प्रतिभा वालों देश है। नई पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए और उनका नए सिरे से अध्ययन करने के लिए आगे आएं। यही भावना 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्ति से पढ़कर बात समाप्त करूंगी। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगति का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है ये इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन,
हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।